यूपी के कन्नौज में कलेक्ट्रेट गेट के पास डिफेंस कोचिंग सेंटर पर आयकर की टीम ने छापा मारा। टैक्स चोरी की आशंका पर टीम ने कोचिंग में मौजूद दस्तावेजों और कंप्यूटर में फीड डिटेल को जब्त कर पूछताछ की। छानबीन में हर महीने 2 लाख से अधिक इनकम के सबूत मिले हैं, जबकि कोचिंग संचालक टैक्स भी जमा नहीं करते। डिफेंस कोचिंग सेंटर में छापा मारने के साथ ही आईटी टीम ने शहर के 2 और कोचिंग सेंटर पर छापे मारे हैं। यूपी के मिर्जापुर में रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से एक गाड़ी फंस गई। लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है और रेलवे अंडरपास में भी पानी भर गया था। इसमें एक बड़ी जीप फंस गई जिसमें करीब 20 लोग सवार थे। ये सभी लोग मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। बाद में वहां पर बुलडोजर बुलाया गया जिसकी मदद से गाड़ी को पानी से खींचकर बाहर निकाला गया। हैदराबाद में अचानक डेंगू के मामले बढ़ने से लोगों में खौफ होने लगा है। हालत यह है कि लोग कोरोना से अधिक डेंगू से डर गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट की माने तो मानसून की शुरुआत से पहले ही शहर में डेंगू के अब तक 167 मामले आ चुके हैं। हालांकि गैर सरकारी आंकड़े इससे काफी अधिक हैं। मानसून के साथ ही डेंगू के केस और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि जल भराव होने से डेंगू के मच्छर तेजी से बढ़ते हैं। केरल के एक पुलिस अधिकारी की बहादुरी के खूब चर्चे हो रहे हैं। एसएचओ अरुण कुमार अपने ड्राइवर के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी पारा जंक्शन के पास एक शख्स ने तलवार से उनके ऊपर हमला कर दिया। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि जब वो अपनी गाड़ी को सड़क किनारे रोकते हैं तो वहां स्कूटर पर खड़ा एक शख्स उन पर तलवार से हमला कर देता है। एसएचओ अरुण बड़ी फुर्ती के साथ खुद को बचाते हुए हमलावर से तलवार छीन लेते हैं और हमलावर को गिरफ्तार कर लेते हैं। शिमला में बिजली बोर्ड के ऑफिस में आग लग गई, जिससे ऑफिस के अंदर लगे 2 ट्रांसफार्मर समेत करीब 40 लाख रुपए का माल जल गया। कार्यालय से सटे एक सरकारी आवास का सामान भी आग और से बुझाने में इस्तेमाल किए गए पानी से बर्बाद हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार्यालय के बाहर बिजली के तारों पर बंदरों के आपस में भिड़ने से स्पार्किंग हुई, जिसके बाद आग लग गई। महाराष्ट्र के सांगली में 9 लोगों को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। अब तक की जांच में पता चला है कि सुसाइड करने वाले दोनों भाइयों ने काफी लोगों से पैसा उधार लिया था, जिसे लौटाने में काफी दिक्कत हो रही थी। पुलिस के मुताबिक पैसा वापस करने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा था, जिसकी वजह से दोनों भाइयों ने परिवार के साथ आत्महत्या जैसा कदम उठाया। पुलिस ने उन सभी 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है जिनसे पैसा उधार लिया गया था। उनमें से 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। नागपुर में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में एक चाय वाले की बेटी ने टॉप किया है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र बोर्ड के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी। वहीं नागपुर की छात्रा प्रजक्ता ने सबसे ज्यादा 98.8% अंक हासिल किए। प्रजक्ता के पिता विजय भुड़े नागपुर में चाय का स्टॉल चलाते हैं। बेटी की इस सफलता पर विजय भुड़े की खुशी का ठिकाना नहीं है। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी कारण 2 दिन से परेशानी काफी बढ़ी हुई है। भारी बर्फबारी और लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सिखों के प्रसिद्ध श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा को 2 दिन से रोका गया है। सिख श्रद्धालुओं को ऋषिकेश, गोविंद घाट और यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले गुरुद्वारों में रोका गया है। फिलहाल 300 से 400 सिख यात्रियों को गोविंद घाट गुरुद्वारे पर रोका गया है, जो हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली और इससे सटे गाजियाबाद, नोएडा के कुछ इलाकों में आज जोरदार बारिश हुई, जिसके कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया, जिसका असर ट्रैफिक पर पड़ा है। दिल्ली में पिछले कुछ 3 दिनों से गर्मी से राहत है और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अभी प्री मानसून की बारिश हो रही है। दिल्ली में 27 जून के आसपास मानसून पहुंच जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में इस बार मानसून की बारिश अच्छी रहेगी। मेघालय में सोनापुर सुरंग के पास लैंडस्लाइड हुआ है। असम के साथ साथ मेघालय में भी जबरदस्त बाढ़ देखी जा रही है। यहां कई दिनों से लगातार बारिश जारी है। बारिश कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। सोनापुर सुरंग में कुछ दिन पहले भी लैंडस्लाइड हुई थी। जिला प्रशासन ने यात्रियों से फिलहाल इस इलाके में यात्रा न करने की अपील की है। लगातार बारिश के कारण आई विनाशकारी बाढ़ ने असम में तबाही मचा दी है। प्रदेश के बोंगाई गांव में लगातार हो रही बारिश से हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। यहां के गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। बाढ़ में अभी कई लोग फंसे हुए हैं। उन तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। घर डूबने की वजह से लोगों को आम दिनचर्या की चीजों में और खाने पीने में काफी दिक्कत हो रही है। असम के सिलचर के हालात देखकर आप दंग रह जाएंगे। बराक नदी पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुकी है। भारी बारिश और बराक नदी में उफान के कारण सिलचर शहर बाढ़ से जूझ रहा है। सिलचर में रास्ते नदियों में तब्दील हो चुके हैं। शहर का लिंक रोड, सोनाई रोड, चर्च रोड समेत कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। शहर में कमर तक पानी भरने से हालात काफी बदतर हो गए हैं। योग दिवस पर भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने खास योग शिविर का आयोजन किया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में विक्रम पार्क मैदान में सेना के अधिकारियों और जवानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। प्रशिक्षकों के साथ सेना के घोड़े और डॉग स्क्वाड ने भी हिस्सा लिया। इसके लिए उन्हें 2 सप्ताह से ट्रेनिंग दी जा रही थी। योग दिवस पर गुजरात में बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। वडोदरा में एक स्कूल में 40x40 फीट की रंगोली बनाई गई। यह रंगोली आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह विशाल रंगोली पूरी तरह योग की थीम पर बनाई गई। इसमें कई तरह के आसन दिखाए गए हैं। योग से जुड़े मंत्रों को भी रंगोली में दर्शाया गया।
यूपी के मदरसों में भी आज योग दिवस मनाया गया। मदरसों से जुड़े लोग और मदरसों में शिक्षा हासिल कर रहे बच्चे भी योगा डे पर पूरे जोश और खरोश के साथ योग करते नजर आए। योग को सेहत के लिए काफी जरूरी बताते हुए लखनऊ के इरफानिया मदरसे ने सभी मदरसों से योग की अपील की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।